भगवान है सर, सब डॉक्टर सब लोग सब भगवान है सर। बहुत खराब थी सर, ऐसा आग आग की तो आग भी नहीं फूल रही थी सर, दूध भी नहीं पी रही थी, कुछ भी नहीं सर। 18 महीने के बच्चे को पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी भी हम गुलबर्गा में कर सकते हैं, हम मनूर हॉस्पिटल में कर रहे हैं, हैदराबाद शोलापुर भेजते थे, आज वो रास्ता बंद हो चुका है एंड गुलबर्गा ही एक मेडिकल हब बन रहा है। वेंटिलेटर पे गया है, सभी को लग रहा था कि पेशेंट मर चुका है, बट आंखों की पुतलियों का रिएक्शन जो रहता है वो एक साइड का बिल्कुल बंद हो गया था उनका। सबका एक टीम वर्क के हिसाब से 5 से जो 6 घंटे का जो सर्जरी चला है, इट वॉज ए मिरेकल। मनूर साहब ने, हमारे फारूक साहब ने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, इतने अच्छे डॉक्टर्स का टीम बना के रखा है, वी कैन डू एनी सर्जरीज इन आवर हॉस्पिटल। गुलबर्गा शहर के मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रिया यादव नामी 18 महीने की मासूम जो गंभीर दिमागी बीमारी में मुब्तिला थी, एक कामयाब ऑपरेशन से मन्नूर हॉस्पिटल टीम ने इस मासूम को नई जिंदगी दे दी है। मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रोज़ाना कई मेजर ऑपरेशन होते हैं, पर इस ऑपरेशन की डिटेल इसलिए बताई जा रही है, ये ऑपरेशन इस मासूम नन्ही जान के घर वालों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। ये लोग बसवा कल्याण के रहने वाले हैं, कुछ दिनों से रिया यादव दिमागी बीमारी का शिकार हुई थी और कई हॉस्पिटल में इलाज करवाने के बावजूद हालात ठीक नहीं हो रहे थे। फिर लोगों के मशवरों से इस मासूम को बेहोशी की हालात में मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया गया था। इस मासूम की हालात इतनी ख़राब थी, घर वाले और दीगर तमाम लोगों की उम्मीद ख़त्म हो गई थी। डॉक्टर फारूक मन्नूर एंड टीम ने घर वालों की हालात को देख बिना फीस जमा किए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ऑपरेशन स्टार्ट कर इस 18 महीने की मासूम को बचाने में कामयाब हुए हैं। अक्सर हॉस्पिटल्स में मरीज की जान बचाने से ज़्यादा लाखों रुपया एडवांस में जमा करवाने की फिराक में लगे रहते हैं, पर मन्नूर हॉस्पिटल में पेशेंट के घर वालों को ये कहकर तसल्ली दी गई थी, अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए तभी पैसा जमा करवाना, वरना कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। गुलबर्गा शहर के बारेल सर्कल रिंग रोड पर मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को ओपन हुए सिर्फ 1 साल मुकम्मल हुआ है और ऐसे कई सीरियस मेजर ऑपरेशन कर मन्नूर हॉस्पिटल काफ़ी कम वक्त में कई ज़्यादा नाम कमा रहा है। हम लोग बसो कल्याण से आया सर, बहुत खराब थी सर, मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब थी सर, कहाँ कहाँ हॉस्पिटल दिखाया सर, लेकिन क्या है कुछ नहीं मालूम पड़ा सर हम लोग को। इधर आया हॉस्पिटल को, सब डॉक्टर लोग ने सब स्कैनिंग के ये किया, सब बोला सो मालूम गिरा सर हम लोग को, ऐसा है करके बहुत खराब थी सर, ऐसा आग आग की तो आग भी नहीं फूल रही थी सर, दूध भी नहीं पी रही थी, कुछ भी नहीं सर, बहुत ही खराब थी सर हालत। बहुत अच्छा मिला सर, बहुत अच्छा मिला सर, हम लोग तो वापिस लेके जाने के लिए था सर, इतना भगवान है सर, सब डॉक्टर सब लोग सब भगवान है सर, मेरे का बच्ची का ये बताए सर, कम से कम एक महीने से बुखार आ रहा था सर, तो इतना दवाई दिया कुछ भी दिया लेकिन ठीक नहीं हुआ सर, वो सब ने वो खून तपास वो वगैरह वगैरह सब किया सर, तो खून में निकला है इन्फेक्शन है वो, वैसा वैसा ही हम लोग को बताया सर, तो इधर हॉस्पिटल उधर हॉस्पिटल बताया सर, 4 दिन ये हॉस्पिटल में एडमिट रहो, वहाँ एडमिट रहो करके बोला सर, लेकिन किधर भी नहीं ठीक हुआ सर, तो इधर आने के बाद स्कैनिंग किया, स्कैनिंग में फिर मालूम गिरा तो सर में प्रॉब्लम है ऐसा ऐसा करके बोला, तो सर हम लोग यहाँ आ गई हॉस्पिटल अच्छा है वैसा करके सब बोला हम लोग ने सब बोला, तो इसलिए ये हॉस्पिटल पे आ गए हम लोग, तो डॉक्टर लोग ने अच्छा से इलाज किया मेरा बच्ची का, भगवान है सर, डॉक्टर लोग सब भगवान है सर, मैं मेरा बच्ची का जान बचाया ना सर, भगवान है सर। आज एक खुशखबरी की बात यह है कि मन्नूर हॉस्पिटल में 18 महीने की बच्ची जो बुखार से आई थी एंड बेहोशी हालत में आई थी, उस टाइम पर पेशेंट को जो है ना डायग्नोसिस किया गया, सीटी स्कैन किया गया, तो सीटी स्कैन में यह पता चला कि ब्रेन के अंदर जो है ना पस है, जिसको हम ब्रेन एब्सिस कहते हैं, तो ये 18 मंथ्स में
ये बहुत ही अनयूजुअल है, मतलब ये एज फैक्टर जो है 18 महीने की बच्ची, तो ये थोड़ा अनयूजुअल रहने के लिए थोड़ा हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट जॉब था। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जब पेशेंट कैजुअलिटी में आया है, विद इन 10 मिनट्स पेशेंट को इंट्यूबेट किया गया और वेंटिलेटर पे डाला गया, क्योंकि बेहोशी की हालत में जब उसका GCS लेवल लो रहता है तो पेशेंट को इमीडिएटली जो है ना एयरलाइन सिक्योर करके जो है ना वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। वेंटिलेटर पे डाल के पेशेंट को स्टेबल किया गया कैजुअलिटी में, फिर उसके बाद पेशेंट को जो है ना जस्ट विद इन 1 आवर हम लोग जो है ना OT को शिफ्ट किए एंड क्रेनियोटमी किए हैं। क्रेनियोटमी करके जो पस अंदर रहता है, ब्रेन एब्सेस जो बोलते हैं, उसको पस को ड्रेनेज करके जो है ना 6 आवर्स तक तकरीबन ये सर्जरी चला एंड अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट OT में भी अच्छा रिस्पॉन्स हुआ है एंड सेफर OT से बाहर आया एंड विद इन 24 आवर्स पेशेंट वेंटिलेटर से भी बाहर आया एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज 5th डे है जो पेशेंट, आज 5th डे में एक क्रेनियोटमी पेशेंट, वो भी एक पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी क्रेनियोटमी, डिस्चार्जिंग ऑन 5th डे। अल्हम्दुलिल्लाह ए वेरी गुड रिकवरी एंड वेरी गुड वर्क बाय आवर न्यूरोसर्जन, आवर एनेस्थेटिस्ट, आवर चीफ इंटेंसिस्ट एंड आवर पीडियाट्रिशियन, वी कैन से ये जो एक टीम वर्क दिख रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज 5वें दिन में पेशेंट आज जो डिस्चार्ज हो रहा है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूसरे क्रेनियोटमी पेशेंट्स को जो है ना 15 दिन 1 महीना ऐसा लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना फास्ट रिकवरी है तो बहुत ही खुशी की बात हो रही है। एंड ऐसे 18 महीने के बच्चे को पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी भी हम गुलबर्गा में कर सकते हैं, हम मनूर हॉस्पिटल में कर रहे हैं। तो आए दिन देख रहे हैं कि हर एक रेयर केस एंड हर एक हाई रिस्क केसेस को हम लोग पकड़ रहे हैं एंड कर रहे हैं एंड उसके सक्सेसफुल रेट भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आ रहा है। तो यही बोलना चाहता हूँ कि हर एक केसेस को जो है ना, हम पहले जो हैदराबाद शोलापुर भेजते थे, आज वो रास्ता बंद हो चुका है एंड गुलबर्गा ही एक मेडिकल हब बन रहा है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हर एक चीज़ जो एडवांस्ड सर्जरीज एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज जो भी है वो हर चीज़ हम लोग यहाँ पे लाना चाहते हैं एंड रोबोटिक सर्जरी भी आगे इंशाल्लाह लाना चाहते हैं। एंड यहाँ के आवाम को यही कहना चाहता हूँ कि एक 18 मंथ का एक न्यूरो सर्जरी जब इतना सक्सेसफुल हुआ है तो अडल्ट इट इज़ मोर सेफर। अडल्ट जो रहता है पीडियाट्रिक काफ़ी दुश्वारें रहती हैं, इसमें एनेस्थीशिया है एंड इक्विपमेंट्स रहते हैं, पीडियाट्रिक वेंटिलेटर रहते हैं काफ़ी एंड पीडियाट्रिशियन रहता है एंड स्टाफ का प्रॉब्लम रहता है। तो पीडियाट्रिक कैसे अल्हम्दुलिल्लाह इतना सक्सेसफुल हुआ है तो इंशाल्लाह हर एक चीज़, हर एक न्यूरो सर्जरी हो, स्पाइन सर्जरी हो, हम लोग हर चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं एंड इसके सक्सेसफुल रेट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर हैं। एंड ये अबाउट द पेशेंट डिटेल, सर्जरी कैसा हुआ, कैसा है, ये हर चीज़ जो है ना इंशाल्लाह डॉक्टर शशांक संगोली सर जो न्यूरो सर्जन है हमारे हॉस्पिटल के, ये आपको बताएंगे। 19 तारीख के शाम को करीब 8 बजे हॉस्पिटल में आए थे। ये उनको 4 दिन से बुखार और उनका जो कॉन्शियसनेस लेवल बोलते हैं वो एकदम दिन ब दिन बिगड़ते हुए आ रहे थे। यहाँ पे आने के बाद उनको हॉस्पिटल में 2 बार झटके भी आए थे जो हम फिट्स बोलते हैं, वो फिट्स आने के वजह से, कंडीशन ख़राब होने के वजह से उनको हमको जितना जल्दी हो सकता उतना हम उनको वेंटिलेटर पे ले लेके उनको पूरा स्टेबलाइज करने के बाद 1 घंटे के अंदर डायग्नोस करके क्या प्रॉब्लम है, MRI स्कैन करके ऑपरेशन हॉस्पिटल में पहले कदम से थिएटर में पहुंचने तक के, मतलब ऑपरेशन का इलाज करने के टाइम में करीब 1 से सवा 1 आवर 15 मिनट्स के बीच में, जो एक बहुत ही नेशनल स्टैंडर्ड्स पे हम ये जो अचीवमेंट किए हैं, जो विद इन 1 आवर हम हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को फ्रॉम द कैजुअल्टी लेके गए हैं। वहाँ से फिर बाद में ऑपरेशन करने के बाद करीब एक 40 to 50 ml का जो पस निकला है उनके दिमाग से, वो पस निकालने के बाद हम उनको 1 दिन वेंटिलेटर पे रखे थे। दूसरे दिन वेंटिलेटर से निकालने के बाद उनका जो रिकवरी जो हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन रिकवरी हुई है, दिन ब दिन अच्छा इम्प्रूवमेंट होते हुए उनको हम आज एक सक्सेसफुली ट्रीट करके आज डिस्चार्ज कर रहे हैं उनको। सर, फैमिली और पेशेंट का कैसा सपोर्ट रहा ट्रीटमेंट के दौरान? सर, आए जब थोड़ा बहुत अप्रहेंसिव थे, उनको लग रहा था कि अभी पेशेंट इतना दिन ब दिन बिगड़ते हुए पेशेंट यहाँ पे आया है और उनको फिट्स भी आ गया है, पेशेंट वेंटिलेटर पे गया है,
सभी को लग रहा था कि पेशेंट मर चुका है, बट हमारे तरफ से टीम हॉस्पिटल डॉक्टर्स की तरफ से, हमारे पीडियाट्रिशियन इंटेंसिविस्ट में और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन टीम, सभी लोग उनको बहुत जो पेशेंट का कंडीशन है उसका, उसके बारे में हम समझाए उनको कि यह सर्जरी करने से बहुत अच्छा होगा पेशेंट, बहुत उनको हम ऑलमोस्ट फ्री में करते हैं सर्जरी, फिर बाद में देखेंगे, आप आपको अच्छा लगा तो आप पेमेंट करो, ये हम उनको इतना उनको हम कन्विंस करने के बाद वो सर्जरी को रेडी हुए हैं। तो एक तरह से हमारे तरफ से ऑलमोस्ट श्योरिटी के साथ हम आगे बढ़े थे, जो एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो गया है उनका, तो अच्छा, वी आर हैप्पी विद द ट्रीटमेंट एंड इवन पेशेंट भी जो है वो एक अच्छी तरह से उन्हों रिकवरी होने से वो भी हॉस्पिटल के ऊपर बहुत खुश हैं। आए जब पेशेंट कोमा स्टेज में था सर, कोमा स्टेज पेशेंट के चांसेस, उनका जो प्यूपुलरी रिस्पॉन्स हम बोलते हैं, जो आंखों की पुतलियों का रिएक्शन जो रहता है, वो एक साइड का बिल्कुल बंद हो गया था उनका। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट पेशेंट का ब्रेन डैमेज जो है स्टार्ट हो गया था, तो स्टार्ट हो के उनको ब्रेन डैमेज, एक ऑलमोस्ट पेशेंट वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, वहाँ आगे उनको एंटीबायोटिक्स जो है वो अभी हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, या हम उनको एंटीबायोटिक्स कंटिन्यू करेंगे, या एंटीबायोटिक्स कंटिन्यू करके उनको फॉलोअप पे रखेंगे। सर मेन उनको जो है सर्जरी हमारी चली थी, एक 6 घंटे की सर्जरी हुई है, इसके अंदर मेन कॉम्प्लिकेशंस बोले तो हमको पस जो है वो बाहर दूसरी जगह पे स्प्रेड हो सकता है, इन्फेक्शन हो, ब्लीडिंग हो सकता है, पेशेंट कोमा स्टेज में जा सकता है, ऑलरेडी फिट्स में आ चुका था पेशेंट, तो ये फिट्स जो है अनकंट्रोल्ड हो के पेशेंट का डेथ भी हो सकता है, तो ये सभी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बाकी के आईसीयू के भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उनको वेंटिलेटर पे रखते हैं तो वेंटिलेटर पे लंग के इन्फेक्शंस, उनको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बोलते हैं हम, वो भी हो सकता है, तो ये सभी हम एक फोरसाइट रख के उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हुए आगे वो सभी प्रिकॉशंस लेते हुए हम ट्रीटमेंट को आगे बढ़े हैं। सर मंगलोर टीम का ये सबसे मेजर ऑपरेशन था या फिर मंगलोर टीम ने सर किए हैं? इससे भी हम पहले भी इससे भी मेजर न्यूरो, मैं न्यूरो सर्जन हूँ, पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी का ये जो है ये पहला ऑपरेशन है सर जो इतना अच्छा रिकवर हो रहा है। मैं डॉक्टर अनिल हूँ, आईसीयू के इंचार्ज हूँ, चीफ इंटेंसिविस्ट हूँ मनोर हॉस्पिटल के तरफ से। एक्चुअली ये जो बेबी है जो 1.5 साल का, जो 18 महीने जो बोल रहे हैं, 1.5 साल का जो बेबी है, एक्चुअली वेट के हिसाब से भी बेबी का वेट जो एज के हिसाब से चाहिए था वो भी कम है, और ग्रोथ जो है बेबी का ऑलरेडी रिटार्डेड था। मे बी जो जो एप्सिस हम जो बोल रहे हैं ब्रेन का जो पीम भरा हुआ, तो महीनों भर से ऐसा बेबी को इग्नोरेंस ऑफ द पेरेंट्स रहेगा या कुछ नहीं, पेरेंट के सिम्टम्स नहीं आए होंगे बेबी को। जब मनोर हॉस्पिटल के कैजुअलिटी में जब आए थे, बेबी वॉज टोटली अनकॉन्शियस था, ऑलमोस्ट कोमा में था बेबी, ऐसा रिस्पॉन्स ही नहीं था, ऐसा लग रहा था कि जान ही गया, इवन उनके पेरेंट्स को भी ऐसा लग रहा था। जब हम देखे मॉनिटर लगा के हार्ट रेट जो था बेबी का, तो वेरी ऑन द लोअर साइड, मीन 50-60, इट्स ए वेरी लो हार्ट रेट फॉर द बेबी। सो वो हिसाब से देख के हम सडनली बेबी को जो वेंटिलेटर पर बोल रहे थे सर, जो वेंटिलेटर सडनली मशीन पर डाल के बेबी को जो स्टेबिलाइज करना था विद इन 5 to 10 मिनट्स, वो स्टेबिलाइज करके अभी हमको नेक्स्ट जो चैलेंजिंग था, तो व्हाट इज द कॉज, इसका क्या राय हो सकता है। तो हम सडनली जब सर बोल रहे थे पिपुलरी रिएक्शन जो आंखों में देख रहे थे, जो चेंजेस रहते, वो जैसे कि हमको चेंजेस दिखने लगे, तो बेबी को स्टेबिलाइज करके सडनली फर्स्ट जो किए और एक बार सीटी स्कैन कराए, जो सीटी स्कैन कराए उसमें जो एमआरआई कराए, उसमें जो हमको पता चल गया इट्स एन एप्सिस बोल के, जो जैसा कि हमको पता चल गया इमीडिएटली विद इन 30 to 45 मिनट्स, जो गोल्डन आवर जो रहता है न्यूरोलॉजी में, न्यूरो सर्जरी में गोल्डन आवर जो विद इन 1 आवर करना था, सडनली ओटी को शिफ्ट करके, तब तक हमारे जुबैर सर पीडियाट्रिशियन, उन्होंने भी आके एक बार बेबी को जनरली एग्जामिन करके देखे, पीडियाट्रिशियन का ओपिनियन लिया इमरजेंसी बेसिस, वो देख के सर भी तभी का तभी मौजूद थे हमारे पास, तो ओटी को जो लिया इमीडिएटली ओटी में लेके जो सर्जरी स्टार्ट किए। सर्जरी में बहुत सारे चैलेंजेस भी हमको फेस करना पड़ता है, एक्चुअली एक बेबी जो है बहुत ही छोटा है, वेट के हिसाब से भी छोटा है, जो बेबी का जो मशीन पर जो डालते हैं वेंटिलेटर जो है, वेंटिलेशन होना इज़ वेरी डिफिकल्टी फॉर द बेबी, इंट्रॉप कॉम्प्लिकेशंस लाइक सर बोल रहे थे, बेबी कभी भी झटके मार सकता है, हार्ट रेट कम हो सकता है, बेबी टोटली ऑपरेशन करते हो हार्ट भी रुक सकता है बीच में, क्योंकि ये जो है बड़े लोगों में भी हो सकता है, बेबी में तो हमको चांसेस है कि बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, वो सब कवर करके इट्स ए टीम ऑफ 2 या 3 एनेस्थेटिस्ट अंदर रहते, सर्जन सर रहते, हेल्पिंग हैंड्स के ड्यूटी डॉक्टर्स रहते, जो नर्सिंग स्टाफ है सबका एक टीम वर्क के हिसाब से 5 से जो 6 घंटे का जो सर्जरी चला है, इट वॉज ए मिरेकल।
और जो पोस्ट ऑप जो बेबी आया इंट्रॉप भी हमको थोड़ा ब्लड भी वो सब देना पड़ा बेबी को, वो दे दिए। इंट्रॉप जो स्टेबलाइज किए वो हमको पोस्ट ऑप जो वेंटिलेशन था वो कंटिन्यू करना पड़ा हमको आईसीयू में। एज एन आईसीयू का जो इंचार्ज हूँ मैं, आईसीयू का जो ट्रीटमेंट पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस जो अवॉइड करना था उसका मॉनिटरिंग वाइज हायर एंटीबायोटिक्स हो, एंटी एपिलेप्टिक जो मेडिकेशन है वो सब देना है। बेबी का फ्लूड जो है मेन, इतना ही ml फ्लूड देना है बेबी को, उतना ml कैलकुलेटेड वेट के हिसाब से देना बहुत ही जरूरी है। सर्जरी जितना इंपॉर्टेंट है जो पोस्ट ऑप उसके कॉम्प्लिकेशंस जो अवॉइड करना है हमको आईसीयू में वो जरूरी हम मॉनिटर करते रहे। और एक दिन बाद जो बेबी हमको मशीन से वेंटिलेटर से बाहर आए तब हमको भी इतना अच्छा लगा और उनके पेरेंट्स खुद के पेरेंट्स को इतना खुशी हो रहा था कि जो बच्चा गया बोल के उन्होंने खुद बोल रहे थे कि छोड़ दो। जो हम जो एफर्ट्स डाल के जो मनूर के टीम के तरफ से टीम ऑफ डॉक्टर्स और नर्सिंग हो जो हेल्प किए जो हमको अच्छा लगा, इट वॉज ए वेरी नाइस टीम वर्क फॉर द मनूर टीम। अभी देखो 5 दिन तक बेबी 3 दिन आईसीयू में रख के एंटीबायोटिक जो टोटल कोर्स कंप्लीट करके 1 दिन वार्ड में भी 2 दिन ऑब्जर्व करके 5th या 6th डे पे अभी बेबी को हम इतना जल्दी से डिस्चार्ज कर रहे हैं। ये इतना न्यूरो सर्जरी यूजुअली केसेस जो है वो महीने भर या 15 दिन 20 दिन आप लोग भी देखेंगे जो 15 दिन 20 दिन बीइंग ए पीडियाट्रिक एक केस करना हम जो क्यों बताना चाह रहे हैं गुलबर्गा के लोगों को कि इतने छोटे एज का बेबी को क्रेनियाटोमी करके और विद इन फास्टर रिकवरी इतने वीक हम बेबी को डिस्चार्ज कर रहे हैं। दिस इज द मेन मोटो टू शो दैट वी कैन डू ऑल द सर्जरीज इन गुलबर्गा मेनली। सो हम लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि गुलबर्गा में सब डॉक्टर्स है, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। मनूर साहब ने, हमारे फारूक साहब ने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, इतने अच्छे डॉक्टर्स का टीम बना के रखा है। वी कैन डू एनी सर्जरीज इन आवर हॉस्पिटल।